राजधानी दिल्ली के निहाल विहार थाने की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्लीन स्वीप के तहत एक ड्रग सप्लायर को एक गुप्त जानकारी के तहत 10 तारीख को रात 10:25 पर नूरी मस्जिद के पास चीत प्रॉपर्टी खाटू श्याम बिल्डिंग मेटीरियल स्टाफ के पास धर दबोचा। इस अपराधी की पहचान नाम एनोजी चिंजी निवासी उली नाइजीरिया के रूप में हुई। फिलहाल यह अपराधी जीत संपत्ति के पास चंद्र विहार मिर्ची दिल्ली में रह रहा था। इसकी उम्र 32 वर्ष है। इसके पास एक काले रंग का बैग बरामद हुआ जिसमें 902 ग्राम कोकीन के दो पैकेट बरामद हुए जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। इस अपराधी को पकड़ने के लिए ACP पश्चिम विहार द्वारा एक टीम का गठन किया जिसमें सी अंकुर, HC देवेंद्र, HC संदीप और CT सुरेंद्र शामिल थे। थाना निहाल विहार में FR 1037/22 NDPS अधिनियम और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराधी ने पूछताछ में बताया कि जोन नाम का व्यक्ति इस अपराधी को ड्रग सप्लाई किया करता था। बाकी अपराधियों की छानबीन की जा रही है। जल्दी ही इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर लिया जाएगा और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम कोकीन पकड़ी है जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत है 3 करोड़ रुपया। इंट्रोगेशन से पता चलता है कि आदमी जो हमने पकड़ा है इसका नाम है अनोजी सनोफ चिंजी और ये उली नाइजीरिया का रहने वाला है। उली जगह है नाइजीरिया में। ये जो आदमी है ये पहले 2020 में इंडिया आया और उसके बाद ये अफ्रीकन लोग बाओं के बाल काटने के लिए इसने बार बार शॉप खोली लेकिन क्योंकि उसमें पैसा नहीं था और इसके जो ये जैसा कि ये बता रहा है कि इसके साथी लोग बाग भी ड्रग सप्लाई का काम करते थे और उसमें पैसा है तो इसने भी वो चीज़ ज्वाइन की। इसका कहना ये है कि एक जोन नाम का कोई आदमी है वो इसको ये माल सप्लाई करता था और फिर ये फर्दर दूसरे एंड पे सप्लाई करता था। अब इस केस में जब हमने इसको पकड़ा है तो इस केस में इसका कहना है कि जोन ने मुझे 902 ग्राम कोकीन के दो पैकेट यानी कि 500 ग्राम का एक 402 ग्राम का एक दो पैकेट देकर के बोला था कि एक पंजाबी आदमी है उसको देना है। ये उस पंजाबी आदमी को ड्रग के पैकेट डिलीवर कर पाता उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसा जनरल कंक्लूजन निकाला जा सकता है लेकिन अभी क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि जोन है कौन वास्तव तो इंट्रोगेशन होगा इन्वेस्टिगेशन होगा पूछताछ जारी है। आगे पता चलेगा आइडेंटिटी जब पता चलती है एक आदमी की तो उसके लिंक भी खुलने के चांस रहते हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है करेगी निश्चित रूप से। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा चैन है इसको ओपन कर दिया जाए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। सर जैसे आपने बताया 2003 की जाँच इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है इसलिए फॉरेनर एक्ट में FIR में जो है फॉरेनर एक्ट भी हमने लगाया है लेकिन में इन्वॉल्व है। कौन सी थाने के पुलिस ने पूरा काम किया? ये PS निहाल विहार जिसके SHO साहब यहाँ बैठे हैं और ACP साहब हैं आशीष इनके नेतृत्व में इसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये दोनों सराहनीय काम किए हैं।